पिछले 20 रोज से मेरी हमशीराओं मेरे भतीजों मेरे भाइयों और हता तीस साल पहले मरी हुई मेरी माँ के घर पे पुलिस मसलसल छापे मारी है और मेरी वालदा के घर को भी तोड़ फोड़ दिया है मैं मुल्क में नहीं था इसके बावजूद मैंने 9 मई के वाक़े की, की मजम्मत की और मैं पाक फौज को अजीम समझता हूँ और पाक फौज को पाकिस्तान का महाफत समझता हूं, लेकिन मैं बुजदिल नहीं हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवार तक निभाऊंगा तीन आदमियों को एंगेज किया गया है मुझे ख़त्म करने के लिए मैं कौम को बताना चाहता हूं कि मैं अपने दिफा का हक रखता हूं और मैंने पाकिस्तान की हकीकी हकूमत के जिम्मेदारान को लिख दिया है कि ज्याती की एक हद होती है और ये ज्यादा इंतकाम की उस जगह मौजूदा पी के लोग लेकर जा रहे हैं और जो ये फसल बो रहे हैं जो बिल आखिर इन्हें काटनी है मैं समझता हूं इंतहाई काबिल अफसोस है और मैं सिर्फ एक ट्वीट दे रहा हूं मैं पिछले बीस दिन से किसी चैनल पर भी नहीं गया और अगर मेरे ट्वीटर से आप इतने खौफ हैं तो जब तक मैं गिरफ्तार नहीं होता यह ट्विटर जारी रहेगा और मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनकी मजबूरी हो सकती है वो कमजोर हो सकते हैं उनके केसेस हो सकते हैं वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते वो ससुराल जेल काट नहीं सकते लेकिन मैं इस बात पे खत्म करना चाहता हूं कि मौत मेरी महबूबा है हथकड़ी मेरा जेवर है जेल मेरा ससुराल है और जब तक इमरान खान ये लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ खड़ा हूं जब वो इकतदार में होगा मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं कि मेरा किरदार क्या होगा क्योंकि मैं सच का हक का और काला काला रसूल अल्लाह का झंडा बुलंद रखूंगा बेशक मेरी जान चली जाए